30 वर्ष आपने वामपंथियों को दिए, 10 वर्ष आपने टीएमसी को दिए, बदले में आपको मिला क्या? बदले में बंगाल में इन दलों ने उद्योग बंद करवाए, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया, बंगाल के विकास को बाधा पैदा की, बंगाल की आस्था पर कुठाराघात किया, बंगाल के नौजवानों को बेरोजगार किया, बंगाल के व्यवसायियों को और उद्योगपतियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, यहां की मातृशक्ति के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया और बंगला आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी आपसे कहने के लिए आई है कि भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है, और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, आपको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। इसमें बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश बिहार से हैं, और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए, आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले गए हैं। और टीएमसी के गुंडे भी तय कर लें कि उन्हें कहां जाना है। 2 मई को भाजपा की सरकार आएगी और प्रत्येक गुंडे को उसके अपराध के अनुसार सजा भी दिलाएगी। मैं देख रहा था ऊपर से हेलीकॉप्टर से कि जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को रोका जा रहा है, और मैं प्रशासन से भी कहूंगा, ये विदाई की बेला है टीएमसी की, और विदाई की बेला में शानदार तरीके से उनको विदाई दीजिए, ईमानदारी से चुनाव को संपन्न करने में अपना योगदान दीजिए। पार्टी बनेंगे दिक्कतें हो जाएंगी, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। भाजपा आएगी, सेवंत पे कमीशन देगी, वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और टीएमसी ने तो आपको सेवंत पे कमीशन भी नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में हम अपने हर सरकारी कर्मचारी को सेवंत पे कमीशन दे रहे हैं, बंगाल के अंदर नहीं मिल रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि ये जो कुछ स्थानों पर भेदभाव की शिकायतें आ रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं और कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करने की शिकायतें आ रही हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और इन स्थितियों में आज के दिन पर ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराने में योगदान देना पुलिस और प्रशासन का दायित्व बनता, और अपने इस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी के साथ करिए, अन्यथा लोकतंत्र की मालिक जनता होती है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है 2 चरणों के चुनाव के माध्यम से।